विकास पागल हो गया है का गुजराती ट्रांसलेशन आप किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए ये जो विकास पागल हो गया है वो पूरा जो एक कैंपेन चालू हुआ था वो गुजरात की जनता द्वारा ही चालू किया गया एक कैंपेन था, जिसको कांग्रेस ने भी ताकत दी। क्योंकि जिस तरह से गुजरात में अगर हम किसानों की बात करें तो जो हालात किसानों के थे वो बहुत खराब थे। युवकों की बात करें तो बेरोजगार युवक का रोजगार से दूर दूर तक संबंध गुजरात में नहीं है। हम सोशल इंडेक्स की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम से लेके व्यापारियों की बात करें तो जीएसटी के चलते व्यापारियों की हालत खराब थी। कुल मिला के गुजरात मॉडल जो पेश किया जा रहा था उसकी असलियत ये थी कि हर वर्ग वहां परेशान है, हर वर्ग को लगता है कि उसके साथ वहां अन्याय हुआ है। अगर हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ है तो फिर आप हार क्यों रहे? देखिए अभी हार या जीत अभी कहना बहुत मुश्किल है और एकाध घंटा लगेगा स्थितियां स्पष्ट होने में। पर निश्चित ही अगर गुजरात में जो पिछली विधानसभा में 115 सीट लेके बीजेपी आई थी और उसके बाद जो 61 सीट कांग्रेस के पास थी और जो पिछले दिनों जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से खरीद फरोश करके बीजेपी ने काफी एमएलए कांग्रेस के तोड़ लिए थे और 44 पे कांग्रेस रह गई थी, तो आप देखिए अभी भी आपका जो ट्रेंड दिखा रहा है उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या है वो साफ दिख रही है। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस हार गई है बिल्कुल गलत है। चलिए आपके मन में उम्मीद कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं आपकी उम्मीद पर सवाल नहीं खड़े करूंगा। हमारे साथ बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री जी जुड़ गए हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, जो पहला सवाल मेरे मन में आता है वो ये है कि आपने तो 150 की बात की थी, कहां 110, 102, 110 के आसपास आ रहे हैं? देखिए दीपक जी, आप तो राजनीति के महारथी हैं, राजनीतिक पत्रकारिता के बहुत गहराई तक जुड़े हुए हैं। आप जानते होंगे भारत का इतिहास क्या था, राजनीतिक इतिहास, जाति पाति पंथ संप्रदाय वंशवाद में एकदम जूझती भारतीय राजनीति किसी तरह से विकासवाद पर लाके खड़ी की गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पर ये जो इलेक्शन था, गुजरात का इलेक्शन, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का वही नकारात्मक स्वरूप फिर सामने आया है। फिर इन्होंने जाति पाति पंथ संप्रदाय और वर्णवाद को एक तरह से प्रारोपित करने की कोशिश फिर पुनः भारतीय राजनीति किया है। आप देखते बुक ट्रेन प्रारंभ किया था और सी प्लेन पर ले जा नहीं शास्त्री जी, मेरे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आपसे संपर्क हमारा जुड़ रहा है टूट रहा है, तो फिलहाल हम एक लेते हैं 50 सेकंड का ब्रेक, फिर वापस आते हैं। शोभा ओझा की तरफ, शोभा ओझा जी, अगर आप हारते हैं, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूं जिसकी संभावना लगभग 90% है कि आप लोग इस चुनाव को हार जाएं, बहुत ही कम चांसेस है जिसमें आप इस चुनाव को अब दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 11:30 बज चुके हैं, मोटे तौर पर अधिकतर गिनतियां पूरी हो चुकी होंगी, आप 78 सीट हैं और 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी 24 सीटों का अंतर आप लोगों में अभी भी बना हुआ है और बहुमत के आंकड़े को 10 सीटों के साथ कंफर्टेबली बीजेपी पार कर रही है, ये दिखाई दे रहा है गुजरात के अंदर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपका जो गुजरात विकास के मॉडल पर सवाल उठाना था वो निरर्थक गया है? नहीं, बिल्कुल निरर्थक नहीं गया। क्यों निरर्थक गया? देखिए राहुल गांधी जी इस बात में विश्वास रखते हैं कि जो जनता की आवाज है, जो जनता के मुद्दे हैं, उसको उठाते आए हैं, उसको चुनाव से जोड़ के वो कभी नहीं देखते हैं या चुनाव की हार जीत से उसका कोई वो नहीं रहता है। किसानों के मुद्दे को उन्होंने मध्य प्रदेश में भी उठाया, किसानों के मुद्दे को उन्होंने यूपी में भी उठाया और यही वजह थी कि लैंड एक्विजिशन बिल पे सरकार को पीछे कदम उठाना पड़ा। जीएसटी के मुद्दे को उन्होंने उठाया क्योंकि वो जानते हैं कि पूरे देश में जीएसटी के चलते जो भारतीय जनता पार्टी लाई है आज काम धंधे चौपट हो चुके हैं और इसी वजह से गुजरात के चुनाव में जीएसटी की जब मुद्दा उठा तो सरकार को फिर घुटने टेकने पड़े और रोल बैक करना पड़ा। तो ये कहना कि मुद्दों को उठाना और गरीबों की आवाज को उठाना या अन्याय जिस वर्ग के साथ हुआ है उसके मुद्दों को उठाना कहीं उठाने से वोटों
वोट नहीं पड़ते तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इस बात में विश्वास किया है कि हर वो मुद्दा जो एक आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है उसको उठाना है, उसको हम वोट से नहीं जोड़ते। ठीक है, आप वोट से नहीं जुड़ते हैं, आप मुद्दों को उठाने की बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टियां, ये विनोद जी भी एग्री करेंगी, जयशंकर जी भी एग्री करेंगे कि चुनाव तो जीतने के लिए लड़ती है, कोई हारने के लिए तो नहीं लड़ता या कोई पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए नहीं लड़ता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होती है। और आखिरकार अगर आपका कोई कार्यक्रम है, आपका कोई सोच है, कोई विचारधारा है, तो उसको आप अमल में तभी लाएंगे जब आपकी सरकार हो, आपकी सत्ता हो। सवाल उठाते हैं अच्छी बात है, मुद्दे उठाते हैं अच्छी बात है, लेकिन उन मुद्दों को अमल में लाने के लिए भी आपको कवायद करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस दरअसल नेता आधारित पार्टी रही है, कि कभी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर वोट मिल जाए, तो कभी इंदिरा गांधी के नाम पर मिल जाए, तो कभी राजीव गांधी के नाम पर मिल जाए, और कभी सोनिया गांधी के नाम पर मिल जाए, राहुल गांधी भी अपनी इमेज से वोट कैचर बन जाए। अब शायद टाइम वो रहा नहीं, ये देश अवतार पूजा का देश है, यहाँ नेता के नाम पर वोट मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा भी जब तक कैडर बेस खाली थी तब तक नहीं आगे बढ़ पाई, अटल बिहारी वाजपेयी नेता के रूप में स्थापित हुए तो सरकार बन गई, ये सीपीएम में ज्योति बसु को जाते ही उनकी सरकार बंगाल से चली गई, तो नेता का एक महत्व होता है। अगर कांग्रेस, और कांग्रेस में एक और समस्या है, समस्या ये हो गई है कि कांग्रेस में राहुल गांधी अब अध्यक्ष है पार्टी के, पहले सोनिया गांधी थी, वो तो अध्यक्ष है, वहां जो नीचे के स्तर पर जिलों में जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बन जाते हैं नेता, और वो कहते हैं मैं तो यहां का राहुल गांधी हूं, मैं सोनिया गांधी हूं, छत्रप के भी उप छत्रप वो वोट नहीं दिला पाते, लेकिन पार्टी के भीतर जो अपनी उनकी दादागिरी चलती है, और जिस तरह एक आम कार्यकर्ता को आगे यहां बढ़ने से या उसकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते, कहीं ना कहीं उस पर मंथन करना पड़ेगा कांग्रेस को, और उनको एक तरह से जमीनी स्तर पर चुनाव जीतने वाली मशीनरी के रूप में पार्टी को बदलना पड़ेगा। चुनाव खाली आप बहुत अच्छी तरीके से राहुल गांधी ने प्रचार किया, इसमें किसी हमारे सारे पैनलिस्ट में कई चैनल में भी बैठा हूं, किसी को एतराज नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत तरीके से भाजपा को घेरा, आज अगर कांटे की टक्कर की बात हुई या 102 और 78 का आंकड़ा सामने आ रहा है या इसमें और फिर बदल की उम्मीद कर रही है ओझाजी, तो उसमें राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन राहुल गांधी के उठाए हुए गए मुद्दे, राहुल गांधी के द्वारा बनाया गया वातावरण, उसको चुनावी मशीनरी में बदलना, उसको वोट लाने वाली मशीनरी में बदलना, ये संगठन का अभाव जो आपका है वो गुजरात में नहीं देश के तमाम राज्यों में है शोभा जी, इसलिए मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। बिल्कुल, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, मोदी फिर भी आगे रहे, अगर हम उसकी बात करें, अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो मोदी ने 37 से 38 रैली की है, 25 डिस्ट्रिक्ट में की है, 163 सीट्स पर करी है, राहुल ने 57 रैली और कॉर्नर मीटिंग्स की है और 24 डिस्ट्रिक्ट में करी है और 148 सीट्स पर करी है। तो यहां पर भी देखा जाए तो जो काउंटिंग है मोदी का वो ज्यादा है, और ज्यादा रैली में करने के बावजूद भी वो हार रहे हैं अंततः चुनाव। राहुल की रैली वाले 69 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी आगे और 32 सीटों पर कांग्रेस आगे। तो यहां पर भी जो अंतर है, पीएम ने 34 रैलियों में 163 सीटों पर प्रचार किया था, पीएम के प्रचार वाले 163 में से 90 पर बीजेपी आगे है, और राहुल की रैली वाले 69 सीटों में से 37 पर कांग्रेस बीजेपी आगे है। ये देखिए आप, पीएम ने 34 रैलियां की और 163 सीटों पर प्रचार किया, 90 सीटों पर बीजेपी आगे है, राहुल की रैली वाली 69 सीटों में से 37 पर बीजेपी आगे है और 32 पर कांग्रेस आगे है। यानी राहुल का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये आंकड़ा हम आपको हार्दिक पटेल के लिए भी दिखाएंगे, लेकिन ये एक रिमार्केबल डिफरेंस है जिसको समझना होगा। यानी अपील अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन ज्यादा है फिलहाल, ये प्रतीत होता है। लेकिन दीपक, ये भी आप देखने की बात है कि ये गुजरात प्रधानमंत्री का अपना गृह राज्य है, बिल्कुल है, वहाँ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और गुजरात का लाडला कहे जाते हैं, और उन्होंने पूरी गुजरात अस्मिता और गुजरात भाषा में संबोधित किया। राहुल गांधी गुजराती भाषा जानते नहीं, वो तो हिंदी बोल रहे हैं। आमतौर पर तो ये होता है कि जो नेता का क्षेत्र होता है वो सबसे अंत में जाता है या नहीं के बराबर जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री इस चुनाव को जीतने के लिए 36 रैलियां उन्होंने की, 34 रैलियां उन्होंने की, और यहां तक कह दिया कि साहब पाकिस्तान चाहता है कि अहमद पटेल मुख्यमंत्री बने और पाकिस्तान इसके लिए साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। उन्हें समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, वो 70 साल की आजादी पे सवाल उठा रहा है कि 70 साल के बाद भी हमारे यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा हमारे राज्य में, ये पाकिस्तान तय करेगा। इतने हद तक आ गए, उसके बावजूद अगर आप 102 सीटें आते हैं, देखिए पैरामीटर 2012 का नहीं है,
पैरामीटर 2014 का है, 2014 में जितना आपने गुजरात में हासिल किया था सारी सीटें आपने हासिल की थी, और मत प्रतिशत कितना है? 165 सीटों पर आपकी लीड थी, और आज आप 102 पे सिमट रहे हैं, तो ये आपकी हार है। आपका गृह राज्य है, आप सब कुछ के बावजूद गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं की आपने, 22 सालों की उपलब्धियों के बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की। मैं आपको रोकूंगा, दूसरा एडीबीएन पटेल कुछ कह रहे हैं, 10 से ज्यादा सीटों से बीजेपी जीतेगी और सरकार बनाएगी। ये पांचवी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बहुत ही कठिन परिस्थिति थी क्योंकि हमारे सामने भी कई प्रश्न थे ही। एक और तीन नेता प्रयास कर रहे थे बीजेपी को हराने के लिए, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खुद हमारे प्रधानमंत्री, सभी मंत्रीगण और पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें लगे थे, और आखिरी जीत भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों ने शुरू में ही विकास का मुद्दा लेकर आगे चले थे और 2012 में भी विकास का मुद्दा लेकर ही चले थे और इसमें हम जीते थे। इस बार जो पिछले 4-5 दिन में जो मोड़ आया, इसमें गाली गलौज भी हो गई कांग्रेस की ओर से, काफी नाराजगी थी हमारे मतदाताओं की कांग्रेस की, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है। विकास का मुद्दा ही हमारे लिए अहम था। मैं तो पिछले 20 साल से मैं देख रही हूं कि 2000 के साल में गुजरात में रोड, पानी, शिक्षा, हेल्थ, कृषि वगैरह में कैसी स्थिति थी, ये हम लोगों ने स्वयं देखी थी। और आज 20 साल के बाद गुजरात में रास्ता देखो, पानी का प्रबंध देखो, नर्मदा की कैनालों हम लोगों ने पहुंचा दी है, शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, कई नई यूनिवर्सिटियां बनी हैं, और हेल्थ मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं, कृषि का दर भी बढ़ा है, पानी मिला है किसानों को। लेकिन कभी कभी कुदरती आपत्ति आ जाती है, इसमें किसानों को नुकसान जरूर होता है। सरकार कितना ही प्रयास करे किसानों को मदद करने की, फिर भी इसमें हम कम पड़ते ही है, उसका किसानों में निराशा होती है, मैं मानती हूं। शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर विकास और विकास ही सब कुछ मुद्दा था, अगर 22 साल में गुजरात में विकास हुआ था तो प्रधानमंत्री को मणिशंकर के नीच शब्द को क्यों मुद्दा बनाने की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान को घसीटने की क्यों जरूरत पड़ी, ये क्यों कहना पड़ा कि पाकिस्तानी सेना अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये क्यों कहना पड़ा कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें मनमोहन सिंह भी शामिल थे, ये तमाम मुद्दे क्या डाइवर्जनरी नहीं थे कि मुद्दों को आसानी से इमोशनल मुद्दों में कन्वर्ट कर दो? देखिए दीपक जी, चुनाव बहुत स्मूथ ढंग से, अच्छे ढंग से चल रहा था। प्रधानमंत्री जी पहले फिर आप देखेंगे कि केवल विकास का ही मुद्दा चलता रहा, और ये जो तमाम बातें आप कह रहे हैं ये पहले फेज के बाद की बातें हैं। जब कांग्रेस पार्टी में समझ में आ गया था कि वो बहुत पीछे चल रहे हैं, वो उनमें घबराहट थी, उनमें निराशा थी, तो उसके परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें शुरू हुई। और प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, उनका जो इस देश के हर एक एक्टिविटी से उनका जुड़ाव होता है, और अगर हमारे ही देश में पोजीशन के महत्वपूर्ण लोग जैसे, माफ कीजिएगा विजय शंकर शास्त्री जी का ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। और ये देखिए तस्वीर, दिलचस्प तस्वीर, एक आदमी नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहने बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने खड़ा है और हाथ हिला रहा है। उनके इस तरह के मुखौटे सभी इलेक्शन पे काफी बेचे गए, और
जी यूपीए के टाइम में एक सरदार जी उत्तर प्रदेश दिल्ली में मनमोहन सिंह की शैली में कांग्रेस दफ्तर में अक्सर जो अधिकारी के मित्र थे हाँ। मनमोहन सिंह जी के बड़े नजदीकी वो हर हर उसमें जो के थे मेरे ख्याल छत्तीसगढ़ के नहीं दिल्ली के ट्रांसपोर्टर थे दिल्ली के ट्रांसपोर्टर थे और कई बार मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया उसी तरह की पगड़ी पहनकर पर वो आइडेंटिकल दिखने वाली बात है। ये बात दूसरी है कि आपने मुंह पे मुखौटा पहन लिया। अहमदाबाद की 21 सीट में से बीजेपी 17 सीटों पर और कांग्रेस मात्र 4 पर। पिछली बार अहमदाबाद गढ़ है उनका पिछली बार और महराबाद बड़ोदरा में 10 में से 9 सीटों पर। ये भी पटेल बाहुल्य वाला इलाका है, काफी पटेल पाए जाते हैं और बड़े संपन्न किसान। सूरत भी बीजेपी आगे है, सूरत में बीजेपी पिछली बार तो 14 सीटों पर आई, 16 जीती थी हाँ। तो इस बार तो कहा जा रहा था आधी आधी हो जाएंगी। वडोदरा में 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी आगे है, ये देखिए आप। राजकोट में 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस आगे। अहमदाबाद 21 सीट में से बीजेपी 17 पर और कांग्रेस 4 सीट पर आगे। सूरत में बीजेपी 14 सीटों पर आगे। और अब देखिए ये आंकड़ा फिर से बढ़ता हुआ 105 बीजेपी का और 75 कांग्रेस का। मुझे लगता है कि 10 के आसपास जाकर टिकेगा, यानी हमारा जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल साबित होगा, एग्जैक्ट पोल साबित होगा। थोड़ी देर हमको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आधे एक घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, आईना बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड अब मोटे तौर पर साफ हो चुके हैं। हम सीधे चलते हैं शोभा ओझा जी के पास। शोभा ओझा जी मुझे ये बताइए कि इस तरह के हालात में जब राहुल गांधी अपने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल चुके हैं, पहले चुनाव के अंदर दोनों राज्य में हार, क्या राहुल गांधी के लिए शुभ संकेत है कि आप हार से उनकी पारी की शुरुआत करें? देखिए राजनीति में हार या जीत के बहुत ज्यादा मायने नहीं लगाने चाहिए। अगर यही तो राजनीति में किसके मायने लगाने चाहिए? एलजी और शोभा जी कभी इस देश इस तो राजनीति कभी किस चीज के मायने लगाने चाहिए, जीत और हार के नहीं? मुझे शब्द मेरा पूरी बात सुन लीजिए। अगर यही एक क्राइटेरिया होता नेता का या नेतृत्व का, तो अटल जी और आडवाणी जी इस देश के नेता कभी नहीं बन पाते हैं। और जहां तक गुजरात का सवाल है, मैं फिर कहूंगी कि 2014 में आप स्थिति देख लीजिए, जो 165 विधानसभाओं पे बीजेपी ने लीड ली थी, वहीं आज अगर वो सिमटती है 105 पे या 100 पे, तो वो दिखाता है कि क्या विकास किया। और मोदी जी के गुजरात में ही अगर लोकसभा के 4 साल के बाद इतनी गिरावट आती है उनके मानने वालों में, तो वो अपने आप में शोभा जी मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं। अर्जुन मोरवड़िया जो कि अध्यक्ष थे गुजरात पीसीसी के, वो चुनाव हार चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष थे गुजरात पीसीसी के, वो चुनाव हार चुके हैं। सीएलपी लीडर भी रहे हैं अरविंद। क्या कारण है कि इस बार बाबूभाई बखारिया जीते और हारे तो अर्जुन मोरवड़िया? दीपक जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अर्जुन मोरवाड़िया वर्तमान में अध्यक्ष नहीं थे। अर्जुन मोरवाड़िया हारे, मैंने पूर्व अध्यक्ष ही कहा है। तो ये बीजेपी का वहां दबदबा रहा है। बाबू बोखरिया अपने आप में दबंग नेता माने जाते हैं। बाबू बोखरिया काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री के पसंदीदा लोगों में से रहे हैं। अर्जुन मोरवाड़िया को हराना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा था, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाया था। क्योंकि मेरे पास इस बात की पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, आप बता रहे हैं अर्जुन मोरवाड़िया हार गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अर्जुन मोरवाड़िया को हराने के लिए भी ताकत झोंकी थी, क्योंकि हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो भरत सिंह सोलंकी हैं। अर्जुन मोरवाड़िया मुखर विरोधी माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद ये बात सुकून देने वाली होगी। बिल्कुल सुकून देने वाली होगी। लेकिन क्या कारण है कि अर्जुन मोरवाड़िया 2 बार से अपना जनाधार लगातार खोते जा रहे हैं? वो जीते भी थे, भी सीएलपी लीडर भी बने थे, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी। दीपक जी गुजरात कांग्रेस में यही कमी थी, जनाधार वाले नेताओं की बड़ी कमी है, जिसकी क्राइसिस कांग्रेस महसूस करती रही है। और वर्तमान में जो परिणाम आए हैं वो एक उनका एंटी इनकम्बेंसी और जो तमाम विरोध हो रहे थे उनके परिणाम स्वरूप गुजरात कांग्रेस को इतनी जीत हासिल हुई है। गुजरात कांग्रेस में ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जिसका जिसके बलबूते पर ये कहा जाए कि कांग्रेस एक बड़ा जनाधार अपना प्राप्त कर पाती, ये जग जाहिर सी बात है। ये तमाम जो विरोध हुए, हार्दिक का आंदोलन हो, जिग्नेश का
हो, अल्पेश का हो, कर्मचारियों का हो, तमाम विरोध के बावजूद ये नतीजे पर कांग्रेस यहाँ तक पहुँच चुकी है, वरना कांग्रेस के हालात किसी से छुपे नहीं थे। दीपक जी, कांग्रेस के हालात किसी से छुपे नहीं थे। अरविंद, आप बहुत नजदीक से गुजरात की राजनीति को देखते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या इन 75 सीटों में कांग्रेस की कोई जीत नजर आ रही है आपको, नैतिक ढंग से, मौलिक ढंग से, मोरली, इथिकली? पॉलिटिकली तो नहीं जीते हैं, मतलब गणित के हिसाब से तो नहीं जीते हैं, क्या पॉलिटिकल में थोड़े से आगे बढ़े हैं? हुआ है, फायदा यह हुआ है कि कुछ सीटें बड़ी हैं, कांग्रेस ने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि कांग्रेस में गुजरात कांग्रेस के जो नेता थे, गुजरात कांग्रेस चार हिस्सों में बटी हुई थी, एक कोई एक व्यक्ति के सहारे गुजरात कांग्रेस नहीं चल रही थी, कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह थी, इसी वजह से कांग्रेस को चार हिस्सों में बांटा गया था और उसके चार अलग अलग जोन बनाए गए थे, उनके अलग अलग नेता नियुक्त किए थे, तब जाकर कांग्रेस आज इस स्थिति में यहां पर पहुंची है। और कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी उसका भी एक कारण रहा है कि कांग्रेस को ये दिन देखने पड़े हैं, कांग्रेस को ये दिन देखने पड़े हैं। हम अपने सहयोगी मनीष और यतेंद्र के पास चलने की कोशिश करेंगे, दिल्ली में भी अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे जो संसद में है। लेकिन जयशंकर गुप्ता जी, अरविंद की बात सुनकर आपको क्या लगता है? अरविंद की बात सुनकर ये लगता है कि कांग्रेस की जो मेन प्रॉब्लम है, फ्रैक्शनलिज्म, एक साथ ना होना, ये भी दिक्कत करता है, जबकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी एक सीधी दिशा में चलती है, एक डायरेक्शन देने वाला होता है और एक काम करवाने वाला होता है। लेकिन जब वो सत्तारूढ़ रहते हैं, जब सफल होते जाते हैं, तो वो गुटबाजी कहीं दिखाई नहीं देती, उस ढंग से वो उस पर पार पा जाते हैं। असल दिक्कत यह है कि कांग्रेस इस चुनाव में भी जो है अपने मुद्दे और भी दिशा को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाई। जो या तो राहुल गांधी शुरू से ही उसी पे कायम रहते, जो आरोप लगा रहे थे गुजरात के विकास को लेकर के, गुजरात के मॉडल को लेकर के, उसी पे कायम रहते और इस तरह के जो बीच में जो विवादित मुद्दे उठाने की कोशिश की गई उसमें कांग्रेस नहीं उलझती, लेकिन कांग्रेस उसमें भी उलझ गई जाकर के। गुजरात अस्मिता का सवाल जब उठाया नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। या जब कनफुकवा तंत्र के जरिए भाजपा के लोगों ने पूरे गुजरात के खासतौर से दूसरे चरण के मतदान के समय में ये मैसेज फैलाने की कोशिश की गई कि भाई 22 साल के बाद कांग्रेस अगर राज में आती है, सत्ता में आती है, तो मुसलमानों का राज होगा और वो लोग बदले लेंगे। तो इसको वो काउंटर नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से उनका मैकेनिज्म है, भारतीय जनता पार्टी का एक मैकेनिज्म है जो लगातार 5 साल 365 दिन 24 घंटे काम करता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 34 रैलियां उन्होंने की, उसके बाद नतीजे आने से पहले ही वो मिजोरम मेघालय चले गए। ठीक है, मतलब उनकी एक्टिविटी वो 18 आवर्स की राजनीति करते हैं, राहुल लगातार 6 घंटे से ज्यादा की राजनीति नहीं कर पाते, ये उनकी कमजोरी। मैं इस पर आऊंगा, इस पर भी हम बहस करेंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक। इंट्रोड्यूसिंग लवोनिया बॉडी लोशन।